हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडियो फंडे। आई एम योर मेंटोर फॉर टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी? दैट इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। सो इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड देयर एडेप्टेशंस। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस अबाउट मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। नाउ व्हाट इज रूट? रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट that is present below the ground generally. This is the leaves, stem, and these are the roots. This is primary root, and along with primary roots there are several lateral roots. ये क्या है? Lateral roots. And on the lateral roots are present root hairs. Root hairs क्या help करते हैं? It helps in the absorption of water and minerals from the soil. These are root hairs. So this is the structure of root, which consists of primary root, lateral roots, and root hairs. Now we will discuss the modifications of root. Firstly, what is the meaning of modification? What is root modification? A change or deviation occurs in the structure of root to perform new functions which are suitable to the surrounding environment. इसको हम क्या बोलते हैं? Root modifications. इसमें क्या होता है? कुछ changes होते हैं या फिर कुछ deviations होते हैं, so that root can perform new functions which are suitable to the surrounding environment. In general modification में हम क्या करते हैं? अगर हम किसी room को modify करते हैं या अपने आप को modify करते हैं, तो हम किस लिए modify करते हैं? To perform new functions or we can be suitable to the surrounding environment. Similarly, root also change or deviate so that it can perform new functions or which are suitable to the surrounding environment. इन जनरल रूट का फंक्शंस क्या होता है? रूट इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इन जनरली रूट का क्या फंक्शन होता है? एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। रूट अब प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनको वाटर या फिर अदर मिनरल सॉयल से कैसे मिलते हैं? विद द हेल्प ऑफ रूट्स। तो इस केस में क्या होता है? मॉडिफिकेशन में क्या होता है? रूट क्या करती है? अपनी शेप को और स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट और स्टोरेज ऑफ फूड और रेस्पिरेशन और क्लाइंबिंग। तो मेनली मेन किस किस उसमें रूट मॉडिफाई कर रही है? मॉडिफिकेशन किस में हो रही है? फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, for support or for respiration. So these are three main modifications: for storage, for support, and for respirations. Firstly, we will discuss about storage roots. Storage roots का क्या function होता है? वो किस लिए अपने आप को modify करती है? Roots are modified into store food materials are called as storage root. Roots क्या करती है? अपने आप को modify कर लेती है to form store food material. मतलब वो further root नहीं रहती, वो एक कुछ ऐसा material बन जाता है जिसमें food present होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? Storage root बोलते हैं, which is modified into store food materials. Plants with storage roots are called as root crops. इन roots को हम root crops भी बोलते हैं, जिन plants में रूट्स अपने आप को स्टोरेज रूट्स बना लेती है, उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? रूट क्रॉप्स। द रूट्स बिकम स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ वुड फूड। वैसे रूट की क्या स्ट्रक्चर होती है? वो ऐसे 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 प्रेजेंट होती है ना। अब स्टोरेज के लिए वो क्या करती है? फूड की स्टोरेज के लिए वो क्या करती है? अपने आप को स्वॉलन हो जाती है रूट ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। अगर अब इसमें फूड भर जाएगा तो ये स्वेल करना शुरू कर जाएगी, तो इसकी क्या होती है? शेप चेंज हो जाती है। इट बिकम स्वेल। सो रूट बिकम स्वेल ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। इन केस ऑफ कैरेट
टर्निप रेडिश फूड इज स्टोर्ड इन द टैप रूट. अब टैप इसमें आप देखो ये कौन सी थी, वैसे ही कौन सी होती है, टैप रूट होती है. टैप रूट ने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया. ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स है क्रॉप्स के, सच एज कैरेट, टर्निप और रेडिश. ये तीनों आपने देखे भी है, आप इसको जनरली कंज्यूम भी करते हो, हम इसे ईट करते हैं. ये कौन सी रूट होती है, टैप रूट होती है, विच मॉडिफाइड टू फॉर्म स्टोर फूड मटेरियल्स. नाउ एडवेंटिशियस रूट स्टोर फूड इन द स्वीट पोटैटो. एडवेंटिशियस रूट कौन सी होती है, जो अराइज करती है अदर देन रेडिकल. टैप रूट कहाँ से अराइज करती है, हमेशा रेडिकल से अराइज करती है, और रेडिकल को छोड़ के जो किसी और पार्ट से अराइज करती है जैसे स्टेम से या ब्रांच से, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं. स्वीट पोटैटो में क्या होता है, स्वीट पोटैटो में एडवेंटिशियस रूट्स जो होती है वो अपने आप को मॉडिफाई करती है टू स्टोर फूड. सो एडवेंटिशियस रूट स्टोर फूड, एग्जाम्पल इज स्वीट पोटैटो. फाइब्रस रूट स्टोर फूड इन एस्पेरेगस. एस्पेरेगस में क्या होता है, फाइब्रस रूट अपने आप को मॉडिफाई करती है टू स्टोर फूड. फाइब्रस रूट भी सिमिलरली क्या होती है, विच अराइजेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल. रेडिकल के अलावा जो किसी और पार्ट से अराइज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं. दीज आर दी पिक्चर्स ऑफ एस्पेरेगस. इन दिस फाइब्रस रूट मॉडिफाइड देमसेल्व्स टू स्टोर फूड. What could be those hanging structure that support a banyan tree? इसमें हमने क्या, अभी हमने क्या डिस्कस करा, स्टोरेज रूट के बारे में डिस्कस करा. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सपोर्ट के बारे में, सपोर्टिव जो रूट्स होती है. अब आपने बनियन ट्री देखा है, बनियन ट्री सभी ने देखा होगा जो हमारे आसपास होता है, इतना बड़ा सा जो ट्री होता है उसमें क्या होता है, जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स आपने देखी होगी वो क्या होती है, प्रोप रूट्स होती है और पिल्लर रूट्स होती है. पिल्लर क्या मतलब, पिल्लर एज अ स्टिक काम करता है. जैसे आप देखो इस पिक्चर में, अभी हम देखेंगे प्रोप रूट्स और पिल्लर रूट्स क्या होती है. द हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ऑफ द स्टेम ऑफ द प्लांट गिव राइज टू एरियल रूट्स. अब ये कोई प्लांट है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस होती है यहां से क्या करती है, रूट अराइज करती है. इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नॉन एज प्रोप रूट्स और पिलर रूट्स. दीज एरियल रूट्स हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स हैंग कर रही है, दे एक्ट लाइक पिलर्स. ये किसकी तरह एक्ट करती है, पिलर की तरह एक्ट करती है. पिलर भी ऐसे होते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े जिसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर होती है, ये पिलर उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं जो भी होता है. तो दीज एक्ट लाइक पिलर्स, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. ये किसके लिए मॉडिफाई करती है, टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. दिस इज द पिक्चर ऑफ बनियन ट्री. इसमें क्या है, ये जो रूट्स है ये कौन सी रूट्स है, प्रोप रूट्स और पिलर रूट्स. देखो ये सारी हैंगिंग स्ट्रक्चर है, वर्टिकली डाउनवर्ड हैंग कर रही है, एंड इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द ट्री. नाउ स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट. स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट्स. अब उसमें क्या था, एरियल जो पार्ट थे वहां से क्या कर रही थी, रूट अराइज कर रही थी सपोर्ट के लिए, जिसको हम क्या बोलते थे, प्रोप रूट और पिल्लर रूट. अब स्टिल्ट रूट क्या होती है, जो कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे शुगर केन होता है. शुगर केन में क्या होता है, ये स्टेम होती है और यहाँ पे ये क्या चीज है, नोड्स है. नोड्स से जो छोटी छोटी रूट्स अराइज करती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट और ब्रेस रूट. दीज आर कॉल्ड एज स्टिल्ट और ब्रेस रूट. एडवेंटिशियस रूट, दीज आर द एडवेंटिशियस रूट बिकॉज दे आर अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम, इट इज कॉल्ड एज स्टिल्ट और ब्रेस रूट्स. दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स विद वीक स्टेम. इसका भी क्या फंक्शन है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स. इसका एग्जांपल क्या है, मेज, जिया मेज या फिर शुगर केन. अब आप इधर देखो, ये नोड से छोटी छोटी रूट्स अराइज कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर स्टिल्ट रूट्स. लास्ट इज इन न्यूमेटोफोर्स. हमने क्या रूट की मॉडिफिकेशन, थ्री मेन मॉडिफिकेशन क्या होती है, फूड स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए, और लास्ट मॉडिफिकेशन क्या है, न्यूमेटोफोर्स के. न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, सच रूट्स आर कॉल्ड एज न्यूमेटोफोर्स. किसी किसी प्लांट्स में क्या होता है, ये रूट्स नीचे ग्रो करनी चाहिए ऐसे, है ना.
पर क्या करती है वो ग्राउंड से बाहर आ जाती है और ग्रो करती है वर्टिकली अपवर्ड्स. इस इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द न्यूमेटोफोर्स. और ये किस किन प्लांट्स में होती है, दे ग्रो वर्टिकली अबव द सॉयल, ये सॉयल से बाहर आके ग्रो कर रही है. दे आर फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट्स. अब मैंग्रोव प्लांट्स कौन से होते हैं, दे हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. ये जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं वो स्वैम्पी और मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है जहाँ पे ये प्लांट ग्रो करते हैं. अब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो प्रॉपर जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करना होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है प्लांट्स को रेस्पायर करने के लिए, वो उनको नहीं मिल पाता. सो दे ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सॉयल. व्हाट इज द मेंट ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स, प्लांट्स ग्रो इन द सलाइन कंडीशन जहाँ पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, और स्वैम्पी एरिया विद लो ऑक्सीजन कंटेंट आर कॉल्ड एज मैंग्रोव प्लांट्स. मैंग्रोव प्लांट्स जो होते हैं जो ऐसी कंडीशन में मिलते हैं उनको हम मैंग्रोव प्लांट्स बोलते हैं, जो सलाइन या फिर स्वैम्पी एरियाज में मिलते हैं. और जो ये मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं वहां पे कौन सी रूट्स प्रेजेंट होती है, वहां पे न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल क्या है मैंग्रोव प्लांट्स का और न्यूमेटोफोर्स का, कॉमन एग्जाम्पल इज राइजोफोरा. अब आप इधर देखो, इस ये प्लांट है, ये कहाँ पे, यहाँ पे सेलाइन कंडीशन है, स्वैम्पी सा एरिया है, यहाँ पे क्या होता है अभी ये सारे रूट्स है जो कि सॉयल से बाहर वर्टिकली अपवर्ड ग्रो कर रही है टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, दीज आर न्यूमेटोफोर्स. अनदर एग्जाम्पल इज एविसीनिया, इसमें भी आप देखो सॉयल से बाहर जो रूट है वो ग्रो कर रही है वर्टिकली अपवर्ड्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटोफोर्स. नाउ अनदर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इज वेलेमन रूट्स. इन योर एनसीईआरटी दीज आर थ्री मॉडिफिकेशन ऑफ रूट विच वी हैव डिस्कस. नाउ दीज आर सम अदर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट वी विल डिस्कस नाउ. वेलेमन रूट्स क्या होती है, दीज रूट्स आर फाउंड इन सम एपीफाइट्स लाइक वेंडा. एपीफाइट्स क्या होते हैं, वॉट आर एपीफाइट्स, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अनदर प्लांट. जो प्लांट किसी और प्लांट पे ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या बोला, वेंडा. अब इस केस में रूट अपने आप को कैसे मॉडिफाई करती है, इन दीज प्लांट्स द एडवेंटिशियस रूट्स आर स्पेशलाइज टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफियर, सच रूट आर कॉल्ड एज वेलेमन रूट. इन जनरल मॉइस्चर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, फ्रॉम द सॉयल, पर सॉयल में कौन सी रूट अराइज कर रही है, टैप रूट होती है. एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होती है, जो अदर देन रेडिकल से अराइज करती है. इस वेलमेन रूट्स में क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट होती है जो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफियर. एटमोसफियर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए एडवेंटिशियस रूट जो होती है इन केस ऑफ एपीफाइट प्लांट अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेलमेन रूट्स. एग्जाम्पल ऑफ वेलमेन रूट्स आर इन दिस पिक्चर यू कैन सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ वेंडा प्लांट. अब आप इधर देखो ये किसी और प्लांट पे प्रेजेंट है और इसमें क्या है, रूट्स जो है वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है इन एडवेंटिशियस रूट्स ने. दीज रूट्स आर कॉल्ड एज वेलेमन रूट्स. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है, होस्टोरियल रूट्स. होस्टोरियल रूट्स कौन सी होती है, द रूट्स विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट प्लांट. वेलेमन रूट्स क्या कर रही थी, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही थी फ्रॉम द एटमोसफेयर, उसमें एडवेंटिशियस रूट्स ने अपने आप को चेंज करा था, मॉडिफाई करा था. होस्टोलियल रूट्स में क्या होता है, रूट्स जो होती है एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट प्लांट. मतलब कि जो होस्टोरियल रूट्स होती है वो उन्हीं प्लांट्स में प्रेजेंट होती है जो कि पैरासाइट होती है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैरासिटिक रूट, दीज आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक प्लांट्स. अब फूड और मॉइस्चर मिनरल्स एब्जॉर्ब करने दूसरे प्लांट से, तो वो दूसरे प्लांट पे एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होगी. पैरासाइट से टू टाइप से हो सकती है, कंप्लीट पैरासाइट भी हो सकती है और पार्शियल पैरासाइट भी हो सकती है. नाउ व्हाट इज पार्शियल पैरासाइट्स, दे सेंड होस्टोरियल रूट्स इनटू द जाइलम ऑफ होस्ट प्लांट्स टू गेट वाटर एंड मिनरल्स. इस केस में क्या होता है, पार्शियल पैरासाइट में जो प्लांट होते हैं वो अपने होस्टोलियल रूट्स को दूसरे प्लांट के, होस्ट प्लांट के जाइलम में सेंड करते हैं टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल. एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल पैरासाइट्स आर विस्कम, दीज आर दी होस्टोरियल रूट्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. देखो ये भी क्या है,
इसमें क्या, ये प्लांट इसमें अपने आप को इसके रूट से क्या कर रहा है, जाइलम से क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है. नेम ऑफ दिस प्लांट इज स्ट्रिगा. कंप्लीट पैरासाइट क्या होते हैं, दे सेंड होस्टोरियल रूट्स इन बोथ जाइलम एंड फ्लोएम टू ऑब्टेन बोथ वाटर एंड फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. पार्शियल पैरासाइट क्या होते हैं, जो सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द होस्ट प्लांट, फ्रॉम द जाइलम ऑफ द होस्ट प्लांट. कंप्लीट पैरासाइट क्या होते हैं, वो होस्टोरियल रूट की हेल्प से दे ऑब्टेन बोथ वाटर एंड फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. वाटर और फूड कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, जाइलम से एंड फ्लोएम से. एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट पैरासाइट्स आर, दीज आर दी होस्टोरियल रूट्स फाउंड इन कस्केटा प्लांट. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दीज आर दी होस्टोरियल रूट्स विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट्स. अनदर एग्जाम्पल इज रेफ्लेशिया. सो कंप्लीट पैरासाइट के मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हो रही है, होस्टोरियल रूट्स, हमने होस्टोरियल रूट्स के बारे में पढ़ा, उसमें क्या था, पार्शियल पैरासाइट और कंप्लीट पैरासाइट. अब कंप्लीट पैरासाइट के कौन से दो एग्जाम्पल्स हमने देखे, कस्केटा एंड अनदर एग्जाम्पल इज रेफ्लेशिया. पार्शियल पैरासाइट में सिर्फ वाटर को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द होस्ट, एंड इन कंप्लीट पैरासाइट दे ऑब्टेन बोथ वाटर एंड फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. एग्जाम्पल इज रेफ्लेशिया एंड कस्केटा इन केस ऑफ कंप्लीट पैरासाइट, एंड इन केस ऑफ पार्शियल पैरासाइट एग्जाम्पल इज वेंडा और स्ट्रिगा. नेक्स्ट इज नोड्यूलर रूट्स. एक हमने अदर मॉडिफिकेशंस में हमने और क्या पढ़ा, वेलमन रूट पढ़ लिया, होसोरियल रूट पढ़ लिया. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है, नोड्यूलर रूट्स. ये कौन सी रूट्स होती है, द स्मॉल स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर अपीयर ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स. बैक्टीरिया इनहिबिट द रूट सिस्टम टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय फॉर्मिंग रूट नोड्यूल. अब ये नोड्यूलर रूट्स कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, दीज आर प्रेजेंट इन द लेग्यूमिनस प्लांट. एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट इज बीन्स, सोयाबीन और अल्फा अल्फा और क्लोवर एटसेट्रा. सो इन प्लांट्स में क्या होता है, जो रूट्स होती है वहां पे बैक्टीरिया क्या करते हैं, नोड्स बना देते हैं. नोड्स की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नोड्स दीज प्लांट्स इनहिबिट, दीज प्लांट्स कैन नॉट फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. एग्जाम्पल क्या है बैक्टीरिया को जो फिक्स करता है फिर इन प्लांट्स के लिए एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, एग्जाम्पल ऑफ द बैक्टीरिया इज राइजोबियम. इन लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, दीज राइजोबियम हेल्प्स इन द फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन दीज लेग्यूमिनस प्लांट्स. दीज बैक्टीरिया परफॉर्म सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सप्लाई नाइट्रोजिनस मेटीरियल्स टू द प्लांट्स. दीज आर फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फेबेसी. फेबेसी में कौन कौन से होते हैं, पी बीन, सोयाबीन, ये सब एग्जाम्पल होते हैं फेबेसी फैमिली के. एग्जाम्पल आर लेग्यूम प्लांट विद रूट नोड्यूल्स. अब ये क्या है, ये छोटे छोटे ये क्या है, रूट नोड्यूल्स है. ये जो आपको स्ट्रक्चर विजिबल है ये सब क्या है, रूट नोड्यूल्स है. दीज आर रूट नोड्यूल्स फाउंड इन द लेग्यूमिनस प्लांट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक रूट्स. फोटोसिंथेटिक रूट्स में क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट्स मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. इसमें क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट अपने आप को मॉडिफाई करती है टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अगेन एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होती है, रूट्स विच अराइजेस फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल. इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसिमिलेटरी रूट्स. फोटोसिंथेटिक रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसिमिलेटरी रूट्स. दीज रूट्स आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. अब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो ऑब्वियसली उसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा. एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेटिक रूट आर टीनियोफाइलम. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फोटोसिंथेटिक रूट्स. सो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, वी हैव टॉक्ड अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट. व्हाट आर मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, इन दिस रूट्स मॉडिफाई देमसेल्व्स टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड. एंड नाउ व्हाट आर दीज मॉडिफाइड रूट्स, स्टोरेज रूट, सपोर्टिव रूट्स,
pneumatophores. Next is velamen roots, hostorial roots, nodular roots, and photosynthetic roots. In storage roots, roots modify themselves to store reserve food material. Example of storage roots are carrot. It is found carrot, sweet potato, radish, etc. इसमें क्या होता है, रूट मॉडिफाई हो जाती है टू स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल और ड्यू टू विच इट गेट्स स्वेल. ये क्या होती है, ऐसे स्वेल हो जाती है. दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्टोरेज रूट. नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट सपोर्टिव रूट्स. इन सपोर्टिव रूट्स वी हैव टॉक्ड अबाउट प्रोप रूट्स और ब्रेस रूट्स. प्रोप रूट्स का एग्जाम्पल किस में होता है, एग्जाम्पल इज बनियन ट्री. बनियन ट्री में क्या होता है, जो हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होती है इधर जो ब्रांचेस के ऊपर हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होती है वो क्या होती है, दीज आर प्रोप रूट्स. ये एज अ स्टिक प्रोवाइड स्टिक वर्क करती है और ये क्या प्रोवाइड करती है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट. नेक्स्ट इज ब्रेस रूट. ब्रेस रूट का एग्जांपल किस में, इट इज इट दिस वी हैव स्टडीड इन शुगर केन और जिया मेज. इसमें क्या होता है, जो नोड्स के ऊपर हैंगिंग स्ट्रक्चर्स होती है दीज आर ब्रेस रूट्स. ये क्या प्रोवाइड करती है, ये भी वीक प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट वी हैव टॉक अबाउट न्यूमेटोफोर्स. न्यूमेटोफोर्स क्या होती है, दीज आर ब्रीदिंग रूट्स. एंड दीज आर फाउंड इन द प्लांट्स सच एज मैंग्रोव्स. मैंग्रोव्स आर दोज प्लांट विच ग्रो इन सेलाइन कंडीशन और स्वैम्पी एरियाज. एग्जाम्पल इज राइजोफोरा. ये क्या करती है, सॉयल से बाहर आ जाती है. इसकी रूट क्या होती है, सॉयल से बाहर आके ऐसे ऐसे ग्रो करती है. ये क्या होती है, रूट्स होती है. दीज आर न्यूमेटोफोर्स. नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट वेलेमन रूट्स. वेलेमन क्या होते हैं, दीज आर द प्लांट्स एपीफाइट्स. दीज आर कॉल्ड एज एपीफाइट्स विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट. एग्जाम्पल ऑफ वेलेमन रूट इज वेंडा. And these root helps in the absorption of moisture from the atmosphere. Next, we have talked about hostorial roots. Hostorial roots क्या होती है? These grow as a parasite on another plants and they are further classified into complete parasite or partial parasite. Complete parasite roots में क्या होता है? These roots absorb both water and food from the host plant. Example of complete parasite is Rafflesia or Cascata. And partial parasite, they absorb water from the host plant. And example of partial parasite is Viscum. Next, we have talked about nodular root. Nodular roots kis mein present hoti hai? In leguminous plants. Leguminous plants kaun si family ki hoti hai? Fabaceae family ke, such as soya bean. बीन. इसमें क्या होती है, रूट्स जो होती है उनके ऊपर नोड्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होती है विद द बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम. और राइजोबियम क्या करते हैं, इट हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. और रिटर्न में प्लांट्स से उन्हें बैक्टीरिया को क्या मिलता है, प्लांट्स गिव बैक्टीरिया शुगर और अदर फूड मटेरियल्स. So it is found in the Fabaceae family, nodular roots. And last we have talked about photosynthetic roots. What are photosynthetic roots? In these roots modify themselves to perform the function of photosynthesis. It is also called as assimilatory roots. And example is Taeniophyllum. So this is all about the modifications of root. I hope you like the explanation. Thank you for watching. The photosynthetic root, as you can see in this picture.